वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। आई थिंक ये आपने सही बताया है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक फिक्स तरीका बताता हूं, जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हो आप एक्स लिख लीजिए और जो भी आपको पता है वो आप लिखते चले जाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वन हॉर्स पावर 746 वॉट, एक्स छोड़ दीजिए आप, वन किलो वॉट कितना होता है, 1000 वॉट होता है भाई, 10^3 वॉट होता है। दोनों को सेम यूनिट में लाइए तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 746W डिवाइडेड बाई 1000W, एक्स आ गया। एक्स कितना आ गया, 0.746। बस यहां वॉट मत लिखना है ना, यहां कुछ मत लिखना क्योंकि एक्स केवल एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब इस एक्स को वापस यहां पे रख दो, देयरफोर वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। इस तरह से आप अपना आंसर सबमिट कर दोगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके ले आओगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा और कभी गलती भी नहीं होगी। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद ही सोचो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप केवल इतना ही तो लिख रहे हो, तीन ही स्टेप तो कर रहे हो, आपका आंसर आ जा रहा है। उसी तरह यहां पे देखिए, 1 kilowatt इज इक्वल टू एक्स हॉर्स पावर, कोई चिंता नहीं करना, 1000 watt इज इक्वल टू एक्स इंटू 746 watt। अब x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 746। अब ये आप लोग मेरे लिए कैलकुलेट करोगे, बताओ कितना हुआ, ये आ जाता है बच्चों 1.340। थोड़ा डॉट को मैग्निफाई कर दूं, तो फिर आप नीचे सबमिट करोगे, देयरफोर 1 kilowatt इज इक्वल टू 1.340 हॉर्स पावर। बस अब ये मेथड एक्स मान के करने वाला जो है, इसमें बस यहां पे भी देखिए आपने तीन ही स्टेप किए और यहां पे भी आपने तीन ही स्टेप किए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, क्या करें, द इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इटसेल्फ। ओके, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो 1 newton इज इक्वल टू 10^5 डायन, यानी डाइन, और वर्क की यूनिट होती है जूल। 1 joule इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ठीक है, वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो 1 watt अब क्या होगा, इसी तरह से है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ एसआई यूनिट लिख रहे हैं और इस तरफ सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं। अपनी एसआई यूनिट में कितनी सीजीएस यूनिट आती है इस क्वांटिटी की, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो, 1 watt इज इक्वल टू, हम लोग चलो वही लिख लें जो हमें आता है, 1 joule डिवाइडेड बाय 1 second। याद रखिएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो 1 joule कितना होता है, 10^7 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 second। तो बस हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 10^7 अर्ग पर सेकेंड। जैसे यहां पे एक स्पेशल साइंटिस्ट का नाम वॉट रख दिया है, यहां पे कोई स्पेशल नाम नहीं है। सो व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर, द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड। 1 watt इज इक्वल टू 10^7 अर्ग पर सेकेंड।